आज हम लोग यहाँ गुरु की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु को सारी देवता से देवियों से ऊंचा माना जाता है। वास्तविक ये गुरु कौन है? इसमें सबसे ज्यादा कौन सी शक्ति संचरित है? ये गुरु तत्व जो है यही शिव है। शिव स्वरूप जो शक्ति है उसी को हमें गुरु की शक्ति समझना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु को शक्ति से प्राप्त करते हैं और आपके अंदर वो शक्ति प्रवाहित होती है, तब आप स्वयं भी गुरु हो जाते हैं। पर कार्य जो इस शक्ति का है वो है आपका कल्याण। जिसको ये शक्ति प्राप्त होती है उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब उसका कल्याण हो। कल्याण का मतलब छोटे शब्दों में देना बड़ा कठिन। कल्याण माने हर तरह से साफल्य, हर तरह से लाभित होना, हर तरह से अलंकृत होना। जब आशीर्वाद में कोई कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये कल्याण क्या है? यही कल्याण, इसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बगैर आत्म साक्षात्कार के कल्याण नहीं हो सकता, उसकी समझ में नहीं आ सकती और उसको आत्मसात भी नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें एक साथ कल्याणमय होती हैं और जिसकी वजह से मनुष्य अपने को अत्यंत सुखी, अत्यंत तेजस्वी समझता है। इस कल्याण मार्ग के लिए आपको जो करना पड़ा वो कर लिया, जो मेहनत करनी थी सो कर ली, जो विश्वास धरने थे वो धर लिए, लेकिन अब कल्याण का मार्ग जब मिल गया, जब आपको गुरु ने मंत्र दे दिया कि आपका कल्याण हो जाए, तो क्या चीज़ घटित होगी आपके अंदर? सबसे बड़ी चीज़ समाधान। इसके बाद कुछ खोजना नहीं, आप स्वयं ही गुरु हो गए। अब आपको कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं, किंतु इस समाधान का जो आशीर्वाद है उसको आप महसूस कर सकेंगे, उसको आप जान सकेंगे और उसमें आप ब्रह्मवान हो सकेंगे। पहले तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है शारीरिक। शारीरिक तकलीफें, शारीरिक दुर्बलता इस कल्याण के मार्ग से साफ हो जाए, आपकी शारीरिक तकलीफें खत्म हो जाए। ये नहीं हुई तो सोचना है कि अभी कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद आपकी मानसिक दुर्बलताएं जो हैं वो भी कल्याण में सब खत्म हो जानी चाहिए। जो दुर्बलता आपके अंदर मानसिक है, जिसके कारण आप पूरी तरह से खिल नहीं पाते, वो शक्ति इसमें है और आप इसको जब प्राप्त करते हैं
तो आपका वाकई कल्याण हो जाता है, माने आप पार हो जाते हैं। इसमें भी श्री महादेव ही सहायक है। जब आपकी कुंडलिनी छेदती है आपके संस्कार को, सो वहाँ महादेव बैठे हुए हैं, इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। देवों में देव महादेव होते हैं। इस कल्याण मार्ग में और बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, उसमें से सबसे बड़ी तो उपलब्धि है शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति और सबसे बढ़कर सांसारिक शांति। संसार की अनेक उपाधियाँ हैं, अनेक तकलीफें हैं, वो सब इसको पाकर, इस कल्याण को पाकर खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे लोग आप देख सकते हैं दुनिया में होते हैं एकाध दो, जो कि इस कल्याण की शक्ति को प्राप्त करके आराम से अपने स्थानापन्न होकर के और ध्यानस्थ हो जाते हैं। यही कल्याण है जिससे मनुष्य में पूरी तरह का संतुलन आ जाता है, और वो संतुलन पाने के लिए आपको सिर्फ गुरु शरण लेनी चाहिए। गुरु के शरण जाने से आपके अंदर वो संतुलन आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सब कुछ पा लिया, अब और कुछ पाने का नहीं। इस प्रकार का संतुलन एक विलक्षण शक्ति देता है, और वो शक्ति में उसे प्रेम की शक्ति कहते हैं। इसे मनुष्य जब प्राप्त करता है तो उसका सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, माने किसी अद्वितीय शक्ति ने उनको आलिंगन किया और उनके अंदर ये शक्ति थी जिससे वो सारी दुनिया की परेशानियाँ, उथल पुथल, असंतुलन सबसे ऊपर उठ के एक संतुलन में विचरण करते हैं। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, और वो दूसरे मनुष्य से ही, मानव से ही इसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है और जो स्वयं ही इस चीज़ को प्राप्त किए हुए हैं, दिस इज अ सब्जेक्ट विच यू कैन ओनली एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज, विच सेज दैट दिस गुरु पद यू गेट फ्रॉम समबडी एल्स, but that somebody else itself is endowed with the power of peace of mind to begin with, and also the power to overcome all kinds of earthly problems, mental problems, physical problems. All these problems you can solve through your mental balance and mental blessings from your guru. When you become the guru, you yourself have the power to bless others with your blessing power. You can create a guru out of many. And once the guru is created, and there is a guru who has this power, it's very satisfying and is very ennobling. The satisfaction is so much that you don't want anything.
This is the power of Shiva. You have seen Shiva, doesn't have much clothes. He doesn't decorate himself. He's just sitting in meditative mode all the time. He doesn't want anything. He's so satisfied with himself that he doesn't want anything. And that is the power you get after self-realization. If you have a guru of that level and caliber. One should not try to become a guru. That's very impractical. If you try to become, you will never. It has to come to you automatically, without any asking, without any effort. So the only way you can get to it is through dhyana. Dhyana is meditation. When you meditate, just meditate and meditate. Do not ask for anything. Meditation itself gives you that instrument which can bear this great power of the Guru. And then you automatically you give this power to others. You don't have to work it out. Just in your presence, people can get this power of complete satisfaction. And there is salvation for you and for others. So all the problems which are faced for the journey of ascent are finished, and you are drenched in the bliss of heavenly peace and joy. That's why it is called as Kaivalya. It's only the blessing. See, that means there is no other word to translate it. There is no other way of explaining it. It's a state. It's a sthiti. It's a state. In that state you have to rise. And you know that you are in that state. It's a very remarkable thing that once you reach that state, you don't have to ask for anything. It's all there and you are so satisfied. I can go on talking about this special power, but I think whatever I have said, please meditate on that. And you are all capable of reaching that state of complete peace and joy. May God bless you.